तो गाइस स्वागत है आप सभी का डिवाइस इन इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि फ़ोन में रैम मैनेजमेंट कैसे करना है, जिससे आप कोई भी बड़े गेम जैसे पबजी हो गया या फ्री फायर हो गया या नीड फॉर स्पीड हो गया, कोई भी कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, कोई भी आप गेम खेलो, तो ये सारे जो गेम हैं इसे बिना लैग, तो आप ये सब जब गेम खेलते हो तो उसमें कभी कभार लैग हो जाता है, कई बार लैग हो जाता है, क्योंकि आपके फ़ोन में रैम बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है उस वक्त। तो जैसे पबजी को लेकर चले तो पबजी का साइज़ है कुछ 1.5 GB का है, तो आप कभी भी गेम खेल रहे हो तो आपके फ़ोन में उस वक्त 1.5 GB का साइज़ 1.5 GB रैम खाली होना चाहिए। लेकिन कई बार होता है आपका फ़ोन में बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा 4 GB का रैम है फिर भी मेरे में पबजी नहीं चल रहा, क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि आपके बैकग्राउंड में काफ़ी सारे ऐप चल रहे होते हैं जो आपके फ़ोन के रैम को कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊँगा कि आप उसे कैसे कम कर सकते हो, ताकि आप आराम से कोई भी गेम या फिर आपके फ़ोन में लैग हो रहा हो तो बिंदास फ़ोन चलेगा। जैसे आपको मैं बता दूँ, रिसेंट ऐप में दिखाऊँ, अब आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में कोई भी ऐप नहीं चल रहा है, फिर भी मेरा अवेलेबल जो रैम है वो है 1.46 GB। जैसे आप क्लियर देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी टास्क नहीं चल रहा है फिर भी 1.46 GB ही अवेलेबल है और मेरा रैम है 4 GB। वो इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप चल रहे हैं। बैकग्राउंड में ऐप जैसे हो गए, आप जैसे इंस्टाग्राम हो गया आपका, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल क्रोम हो गया, आप उसे चालू करते हो, बंद क्लियर भी करते तो फिर भी वो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, क्योंकि आपके नोटिफिकेशंस उसमें जब आते हैं, नेटवर्क यूज़ हो रहा है उसमें, सब वो सब चलता रहता है। तो उसके लिए, उसे मैनेज करने के लिए आपको सीधा जाना होगा आपके फ़ोन के सेटिंग में। उससे पहले बता दूँ कि आपके फ़ोन में कोई फालतू के ऐप्स भरे हुए हो जो आप यूज़ नहीं करते हो, तो उसे क्लियर कर दो, तो आपका रैम वैसे ही कम हो जाएगा और स्टोरेज भी कम होगी। और बाकी दूसरी टिप्स बताऊँ तो आप जाइए अपने फ़ोन के सेटिंग्स में, सेटिंग में जाके आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है। आप डेवलपर ऑप्शन आपको अगर यहाँ पे ऐसे नहीं मिल रहा हो तो आप जा सकते हो एडिशनल सेटिंग्स में, और एडिशनल सेटिंग्स में भी नहीं मिल रहा हो तो आपने मतलब डेवलपर मोड ऑन नहीं किया है। तो डेवलपर मोड ऑन करने के लिए आपको जाना होगा अबाउट फ़ोन में, और उसमें जाना होगा आपके कार बिल्ड नंबर पर। बिल्ड नंबर यहाँ नहीं दिख रहा है तो मतलब बेस, यहाँ पर आपको बेस बैंड और कार्नल वर्जन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखेगा बिल्ड नंबर। इसमें आप 5 बार लगातार टैप करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा यू आर नाउ डेवलपर मोड। तो इसे बैक करके हम जाएंगे वापस एडिशनल सेटिंग्स में, यहाँ पे हमें मिल जाएगा डेवलपर मोड, ये रहा डेवलपर ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। और जैसे यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ऊपर में दिख रहा होगा मेमोरी का ऑप्शन, मेमोरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.3 GB यूज़ हो रहा है, ठीक है, 4 GB और 3.3 GB। और जैसे मैंने आपको बताया था कि बैकग्राउंड में कोई ऐप नहीं चल रहा है फिर भी ये 3.3 GB यूज़ कहाँ हो रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेमोरी यूज पर ऐप, तो यहाँ पर आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ पर आपके मेमोरी बैकग्राउंड में यूज़ हो रहे हैं। तो इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको दिखा देगा, जैसे एंड्रॉयड सिस्टम में यहाँ पे आपको ऊपर में क्लिक करके देखना है शॉर्ट बाय मैक्सिमम यूजेस, तो सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे हो रहा है, आप देख सकते हैं पबजी मोबाइल में यहाँ पे 2.1 GB हो रहा है, क्रोम में 1.6 GB हो रहा है, गूगल प्ले सर्विस हो रहा है, यूट्यूब, एंड्रॉयड सिस्टम, स्टार मेगा। तो हम जो कम ऐप कम यूज़ करते हैं या फिर अभी आपसे आपको गेम खेलना हो तो आप ये ट्रिक करके गेम आसानी से खेल सकते हैं। जैसे पबजी मोबाइल तो हम खेलेंगे तो हम इसे कुछ करेंगे नहीं, हम जाएंगे क्रोम में और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आएगा फोर्स स्टॉप करके, उसे आप कर देंगे फोर्स स्टॉप, सिंपल ये हो गया। बैकग्राउंड बैक में वापस जाएंगे, फिर दिखेगा आपको ये गूगल प्ले सर्विस, अभी हमें कुछ काम नहीं है तो इसे भी हम कर देंगे फोर्स स्टॉप। फिर बैक जाएंगे, अब यूट्यूब भी हम नहीं चलाएंगे तो उसे भी कर देंगे फोर्स स्टॉप, स्टार मेकर इसे भी कर देते हैं फोर्स स्टॉप, फिर और फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी है सब फोर्स स्टॉप कर देना। फोर्स स्टॉप करने से क्या होगा, जो इनके नोटिफिकेशन होते हैं वो सब आपको नहीं आएंगे, और अभी जो भी नेटवर्क यूज़ कर रहा होगा, रैम यूज़ कर रहा होगा, ये सब बैकग्राउंड से हट जाएंगे। लेकिन इससे कोई ऐप को डिलीट नहीं होने वाला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको वापस जब स्टार्ट करना हो सिंपली आप जैसे ऐप ओपन करते हो नॉर्मली वैसे ओपन करोगे तो ओपन हो जाएगा। तो अब जैसे हमने ये सब ऐप्स को फोर्स स्टॉप कर लिया, चलो पबजी को भी फोर्स स्टॉप कर देते हैं और रैम क्लियर हो जाएगा हमारा, ठीक है, फोर्स स्टॉप हो गया। और जितने भी फालतू के ऐप है सबको आप फोर्स स्टॉप कर दीजिए। फिर बैक आएंगे हम, बैक आके अगर मैं यहाँ से क्लियर ऑल जैसे सिस्टम का देख सकते हैं, इस सेटिंग मैंने अभी ऑप्शन किया था चालू क्लियर करूँ, हाँ क्लियर ऑल मैं नहीं करूँगा क्योंकि अभी मेरे बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग चल रही है तो ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो 1.46 GB से 2.2 GB पे आ गया। अगर मैं अभी इसे क्लियर ऑल करूँगा तो मैं आपको बोल सकता हूँ ये आराम से 2.4 के ऊपर चल जाएगा, लेकिन मैं क्लियर नहीं करूँगा क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग चल रही है। अभी भी देख सकते हैं आप नो टास्क है और 2.15 GB है, ठीक है। तो ये है इतना,
अभी मैं काम करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ और फिर आपको क्लियर करके वापस से बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग सब क्लियर कर लिखा है। अब मैं आपको नोटास रिसेंट ऐप्स दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली 2.32 GB अवेलेबल हो चुका है, जो पहले 1.4 GB है। करीब करीब हमने 1 GB का स्पेस, 1 GB रैम खाली कर दिया है इसी ट्रिक से। अब आप आराम से गेम खेल सकते हो, पबजी या फ्री फायर कोई भी गेम खेल सकते हो। तो ये कुछ सिंपल सी सेटिंग थी जो कि बहुत ही काम आ सकते हैं आपके रैम मैनेजमेंट में। बहुत लोगों को पता भी होता है पर नहीं करते, कुछ लोगों को नहीं भी पता होता है। जैसे अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो ये ट्रिक करिए, काम आएगी। आप पबजी खेलिए, जो खेलना है खेलिए, बिंदा चलेगा और आपका फ़ोन भी ज़्यादा लैग नहीं होगा। अब जैसे आपने फोर स्टॉप किया था तो उसे वापस स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं। जैसे मैंने फोर स्टॉप किया था यूट्यूब को, तो यूट्यूब में क्लिक करूँगा तो वापस से स्टार्ट हो जाएगा, बैकग्राउंड में रनिंग में वापस से आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वीडियो लाइक करना, शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो बोलते हैं कि भाई मेरा गेम लैग हो गया, भाई सामने बंदा था मैं उसको मार रहा था पर गेम लैग हो गया, भाई बहुत लैग हो गया, भाई रेंडर हो गया, भाई ये हो गया वो हो गया। उसके साथ शेयर करना, उसको बोला भाई वीडियो देख, पूरा देख और समझ, बहाने मत देना। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहूँगा। सब्सक्राइब करना दोस्तों और मिलते अगले वीडियो में।